गुरुदेव हमारे घर में जो पूजा पूजा घर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है तो क्या घर में रखना सही है अब रखा है तो कोई दिक्कत लेकिन आपको कायदे से उनकी पूजा मंदिर में होनी चाहिए पूजा घर में बहुत बड़े शिवलिंग की आवश्यकता नहीं होती छोटा साइज है ना गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम खुश नहीं बेटा गुरुदेव आज पहली बार है कि मैं इतने आत्मविश्वास से आपके सामने खड़ी हूँ वरना हमेशा मैं बहुत घबरा जाती थी गुरुदेव आपके बहुत बहुत उपकार है कि आज आपने मुझे वनडे हवन के लिए पुरस्कृत किया अभी मैं बच्चे के लिए आई थी दो महीने पहले बेटा भी आया था उसने एक नौकरी छोड़ दी तब से उसका आत्मविश्वास बहुत कम हो गया ऐसा था उसका आत्मविश्वास कमज़ोर था इसलिए उसने नौकरी छोड़ी नौकरी छोड़ने के कारण आत्मविश्वास नहीं कम हुआ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर था इसलिए नौकरी छूटी ठीक है उसको हमेशा कॉम्प्लेक्स बना रहता था अंदर एक कॉम्प्लेक्स था हीन भावना से ग्रस्त रहता था है ना बहुत हाइपर एक्टिव था ना सबसे संबंध खराब हो जाते थे बाहर उसके है ना और उसको गंदा गंदा फील होता था लोगों से चीड़ होने लगती थी अकेले रहने की स्मृतियाँ थी किसी से बात नहीं करें ऐसे सब स्मृति उसमें थी लगता था बंद कमरे में अकेले पड़ा हुआ है बात ही नहीं करना किसी से ऐसे करता था तो अभी सब गंदगी गई सब नष्ट हो गई आप लोगों से स्नेह ख़त्म हो गया तो उसको बिल्कुल अंदर से कोई स्नेह प्रेम नहीं बचा था केवल गंदगी के कारण बच्चा ऐसा नहीं है जो गंदगी बाहरी थी उसके कारण ऐसा बनता जा रहा था है ना तो केवल एक संकल्प करा देना उसको जरूर से ध्यान रखना बाकी तुम्हारी किडनी जो है तुम अपनी बात पे आओ उनको छोड़ दो वो अपना संकल्प करें सब लोग जो जो कर मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ आपकी बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास अब कोई कष्ट नहीं कष्टों के लिए बहुत लंबी लिस्ट है तुम्हारी लेकिन हमने वो सब कष्ट वाली लिस्ट जो है किनारे कर रखी है ऐसे सब टोना टूटका आपके यहाँ हुआ थे गंदगी गई ऐसे ऐसे मारण थे काट पीट मारण खत्म करो ऐसे थे हुँ? और ये तुम्हारे तुम्हारे स्वयं के कष्ट ये थे इस सब स्मृतियाँ नष्ट हुई पढ़ लो देखो यही सब था कि नहीं अभी सब नष्ट हुआ कुछ भी शेष नहीं सब गंदगी नष्ट हुई अब केवल एक महावन करना है दरबार की ओर से स्लिप लेकर अपने को किसको रखना है फिर अपने को रखना है इस की जिसकी चर्चा आप कर रही थी इसको रखना है ठीक है हाँ खुश प्रसन्न हो हम हमारे घर में जो पूजा पूजा घर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है तो क्या घर में रखना सही है अब रखा है तो कोई दिक्कत लेकिन आपको कायदे से कि उनकी पूजा मंदिर में होनी चाहिए पूजा घर में बहुत बड़े शिवलिंग की आवश्यकता नहीं होती छोटा साइज है ना बड़े शिवलिंग को मंदिर में स्थापना करानी चाहिए ठीक है ना कोई मंदिर बने उसमें उसको दान करके उसकी स्थापना विधवत करानी चाहिए ऐसा गुरुदेव एक विनंती है हाँ। इस बेटे की हाइट बढ़ानी थी वो अपने संकल्प से होता है बेटा पता ही आपको प्रार्थना संकल्प अपना करें ठीक है खुश रहो और जब उसका मस्तिष्क पूरा अच्छा बन जाएगा तो अपने आप उसका संकल्प पूरा होने लगेगा